हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रहे हैं? जी आप अच्छे से नेटवर्क आ रहे। कभी-कभी बहुत माथा खराब कर। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, चर्चा में कि हाँ, काल की जो अप्रकट शक्ति, काल की अप्रकट शक्ति इतनी प्रबल होती है कि जितने सारे भौतिक पदार्थ होते हैं कृष्ण को छोड़कर या कृष्ण भक्त को छोड़कर, सब कुछ को एकदम मिट्टी धूल में मिला देते हैं। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ब्रिटिश, मुगल, रावण, हिरण्यकशिपु, कितने आए, कितने नेपोलियन, हिटलर, बहुत सारे लोग आए इस संसार में और अपना अपना राज काम चलाया, लोगों को सताया। और उसके बाद क्या हुआ, मिट्टी में मिल गया। लेकिन जो कृष्ण का जो भक्त है, अनादि काल से जिनका गुणगाथा गाया जाता है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अर्जुन, हनुमान, उद्धव, मीरा, राधा रानी, गोपियां, नंद, यशोदा, तो जो भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है, इतिहास के पन्ने में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। हमारा भी नाम लिखेगा, चिंता नहीं, कोई ना कोई ऐसा व्यासदेव होगा जो हमारा भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि भगवान संसार में प्रत्येक वस्तु को, काल है ना, भगवान का एक रूप है काल, महाकाल, काल सबको ग्रास कर देता है। लेकिन जो भक्त उनके शरणागत हो चुके हैं, उनकी महिमा को जेन केन प्रकार है ना उद्धार करते हैं। जरा सोचिए एग्जाम्पल कि व्यासदेव के आने से पहले, व्यासदेव कितने दिन पहले आए, 5,000 वर्ष पूर्व, और पुराणों में जितनी सारी घटना है, ये क्या आज का है? ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारदीय पुराण, कलिसंतरण उपनिषद, जितने सारे, कितने महान, करोड़ों करोड़ों अनंत भक्तों की महिमा जो कितने बीते हुए जुगों का है। व्यासदेव जस्ट आया और अपना लैपटॉप चालू किया बद्रिका आश्रम में, पूरा ब्राउजर, इंटरनेट सब खोल के जितने सारे भक्तों का पूरा लिस्ट दे दिया समस्त पुराणों के माध्यम से, है ना। उसी प्रकार हम लोग सोच सकते, कहाँ प्रभु जी, हमारा नाम कौन लेगा, हमारे पास है ही क्या, जस्ट एक गोपाल है, उनकी थोड़ा सेवा करते हैं, थोड़ा किशमिश और बादाम और मिश्री देते हैं, हमारा नाम ही कौन लेगा। अरे नहीं रे बाबा, दिन आएगा जब आपका जो आने वाला पीढ़ी है ना, वो बोले कि मेरी नानी, मेरी दादी, वो भी इस तरह कृष्ण भक्ति करते थे, उनके पास भी एक गोपाल था। और गोपाल की वो रोज खाना खिलाते, उनको महाप्रसाद, भोग अर्पण करते थे। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि कृष्ण भक्त का कभी विनाश नहीं होता। लेकिन वर्तमान युग में हम लोग देखते हैं कितने महान महान नायक, बड़े बड़े महान महान फिल्मिस्टर सब मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या विभा माता जी की लड़की क्या दिलीप कुमार का पिक्चर देखता है, या राज बब्बर का, या राजकुमार का देखते हैं? मैं पूछ रहा हूं, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर में, भागवत कथा में इसको शामिल नहीं कर रहे, जस्ट एग्जाम्पल देखते नहीं हैं। नहीं प्रभु अमिताभ बच्चन का देखते नहीं हैं, ना लेकिन आप देखते थे, है ना? ना ना कभी अरे नहीं। इसमें कभी नहीं, इसमें हाँ है, हाँ में मिलाइए कि हम लोग फिल्म तो देखते थे, कभी नहीं नहीं देखे हम तो जीवन में? देखे नहीं कभी नहीं चलिए देखे आप नहीं कभी देखे, कभी नहीं एक चलिए 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 चलिए। भी नहीं। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम विश्वनाथ प्रभु, विश्वनाथ प्रभु तो देखे थे ना, विश्वनाथ प्रभु तो देखे थे, हाँ, दिलीप कुमार का देखते थे, इसका देखते थे, हाँ कितना देखे कुछ, देखे है ना। तो अब विषय वस्तु ये है कि अभी जो हम लोग जो उस समय जो देखते थे,
तो क्या वर्तमान जो जनसंख्या मतलब जो अभी जन्म ले रहा है या जो 10 साल जिसका उम्र 8 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तो वो क्या वो पुराने फिल्म एक्टरों का देख रहे हैं? नहीं देख रहे। यद्यपि वो लोग किससे भी अच्छा रोल किया था, अभी का मूवी स्टार लोग क्या रोल करेगा? उन लोगों के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है, ये बाथरूम के तुल्य है। वो लोग अगर बिल्डिंग है तो ये बाथरूम, उनका कंपेयर भी नहीं आएगा उन लोग का क्या डायलॉग। लेकिन फिर भी क्या कोई बच्चा उन लोगों को देख रहे हैं? नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि उसमें उन लोगों के जीवन में कृष्ण मिला नहीं, उन लोगों के जीवन में भगवान कृष्ण कनेक्टेड नहीं है। यद्यपि भौतिक संपदा भौतिक प्रतिष्ठा प्रसिद्धि फेमस सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति कनेक्टेड नहीं है, इसलिए कोई उसको फॉलो नहीं करते। श्रील प्रभुपाद 1977 को चले गए इस जगत से। तो जो भी अभी इस्कॉन में ज्वाइन किया या विभा माता जी या प्राणमोहन सिंह प्रभु, क्या प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं हम लोग एवरीडे मंगलाचरण के समय? करते हैं? ये सब लोग करते हैं, है ना? तो क्यों करते हैं? क्योंकि कृष्ण भक्त कभी मरता नहीं, मरता नहीं, इसीलिए तो उनका नाम ले रहे हैं ना। अगर वो मृत है तब हम लोग नाम क्यों लेंगे? अगर भागवतम अगर मृत होता तो क्यों हम लोग आनंद लेते इसका पाठ करके हमारे हृदय में? हम लोग तो अपने पर्सनल जीवन में इस चीज को देखे है बहुत बार कि हम लोग कभी कितने बेचैनी, कितनी परेशान, कितना भागदौड़ भरी जिंदगी में, कितना कष्ट। लेकिन जब भागवत गीता या भागवतम की थोड़ी सी कथा सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक नया प्रदीप मतलब जीवन दीपक मिल जाता है। क्यों ऐसा होता है? अगर ये मृत वस्तु होता भागवतम तब तो वही होता। जैसे क्या किसी के जीवन में ऐसा कुछ हुआ है कि मान लीजिए बहुत ही टेंशन में है, बेचैनी में है, और एक फिल्म को लगा दिया है सीडी कैसेट में, वो टेंशन फ्री हो गया? नहीं, बल्कि वो जहर का मृत्यु वो आत्महत्या करते हैं, फांसी लगा लेते हैं पंखे में या रेल में माता देता। लेकिन जब वो भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ता है, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, या कोई भक्त उनके जीवन में आता है, एक उपदेश छोड़ देता है, बस उनका जीवन बदल जाता है। तो ये भागवतम की शक्ति है, ये साक्षात भगवान है, है ना? वही चीज में आज बात कर रहा था हमारे धर्मेंद्र प्रभु जी से दिल्ली कि मैं बोला प्रभु जी अभी भागवतम की कथा हमारे एवरीडे जूम क्लास चल रहा है ना, अगर इस भागवतम की कक्षा में ज्वाइन नहीं करेंगे, भागवतम का संग नहीं करेंगे तो कैसा होगा हमारा जीवन जानते? बोले कि प्रभु जी अच्छा बताइए प्रभु कैसा होगा? मैं बोला कि प्राचीन युग में हिरण्यकशिपु भी थे और भगवान विष्णु नृसिंहदेव के रूप में भी प्रकट थे, तो प्रहलाद महाराज ने नृसिंहदेव को एक्सेप्ट किया भगवान के रूप में, रामचंद्र लक्ष्मण को त्रेता युग के वासी लोग एक्सेप्ट किया, कृष्ण बलराम को दापर युग के वासी एक्सेप्ट किया। उसी प्रकार कलि युग में अगर हम लोग भागवतम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग उस सेम राक्षस कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान तो हर युग में अपना अलग अलग रूप में आते हैं ना, कभी नृसिंह रूप में, तो कभी रामचंद्र रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो कभी भागवतम के रूप में। तो उस भागवतम को अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम लोग रावण की कैटेगरी में। इसीलिए क्या करना है कि अगर हम लोग सच में अपने जीवन को इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में लिखाना चाहते रजिस्टर करना है तो भागवतम की शरण लेना और भागवतम कभी भी छोड़ना नहीं, क्योंकि कलयुग में भागवतम ही अवतार है और भागवतम ही आपको उद्धार करेगा, दूसरा कोई। श्रील प्रभुपाद आगे व्याख्या कर रहे हैं श्रील व्यासदेव के विषय में कि चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाती है। भौतिक शक्ति
भौतिक वस्तुओं की शक्ति का प्रभाव नाश हो जाता है। चतुर्युग चक्र के अंतिम कलयुग भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में अंतर क्या है? भौतिक शक्ति का अर्थ होता है मैं शक्तिमान, अर्थात कि मैं अकेला ही 10 लोगों के साथ फाइटिंग कर सकता हूँ। अगर कोई तलवार लेके भी आएंगे लेकिन मेरा हाथ काफी, एक फाइट मारूंगा तो मरेंगे, तो ये भौतिक शक्ति का बात है। लेकिन कलयुग में ये काम नहीं करता। कलयुग में आप शक्ति से कुछ नहीं कर पाएंगे, लोग टेक्निक से मारेंगे। आप कितना ही बड़ा बलशाली हो, इस संसार में जितने सारे वर्तमान युग में लोग ने जितने सारे लोग मर रहे हैं, चाहे नेता हो या कोई विलेन हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, उन लोगों के पास तो बहुत शक्ति रहता है, उनके पास अपना भी शक्ति है, लेकिन फिर भी उतना सिक्योरिटी गार्ड रखता है। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोग टेक्निक से मारते हैं। अब इसका उदाहरण कैसे दें? इसका उदाहरण हम लोग महाभारत के युद्ध से ले सकते हैं। दुर्योधन का जो जंघा है, मतलब वो जो हिस्सा कमर के नीचे का जो हिस्सा है, वो तो गांधारी के दिव्य दृष्टि से, मतलब गांधारी के दृष्टिपात से तो पूरा लोहा बन चुका है। तो भीम कितना भी प्रयास करे, यद्यपि भीम महान योद्धा है, 10,000 हाथी का बल, लेकिन फिर भी दुर्योधन को एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। लेकिन जब टेक्निक अपनाया कृष्ण का, तो टेक्निक से दुर्योधन को मारा। उसी प्रकार इस संसार में विषय वस्तु, ये कलयुग की बात अलग है। कलयुग में आप कितना भी शक्तिशाली हो, आपका कुछ काम नहीं होगा। यूं ही एक बंदूक, एक गोली मार देंगे, फिनिश, गो आउट। तुम्हारे पास जितना ही 10,000 हाथी का बल हो, जो भी हो, दूर से दूरबीन से छत के ऊपर से हम लोग मूवी में देखते हैं ना कि मुख्यमंत्री चलता है रोड से और वो विलेन रहता है छत 10 तला 15 तला 20 तला ऊपर से, और वहां से फिट रहता है उनका बंदूक की गोली, वो डायरेक्ट एक मार देते हैं पूरा गाड़ी समेत, पूरा बम बर्स्ट। तो उनका शक्ति का क्या? उनके पास 10,000 हाथी का ही बल हो, है ना, एक एग्जाम्पल, 10,000 का 20,000 हाथी का बल हो तो बम के सामने क्या टिकेगा? तो कलयुग जो है ना, पूरा टेक्निक से चलता है सब कुछ, हमारे बल का कुछ प्रभाव नहीं। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे कि वर्तमान जो कलयुग है ना, चतुर्युग चक्र के जो अंतिम युग, समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाती है। इस युग में जनसामान्य की आयु काफी घट जाती है और इसी प्रकार से स्मरण शक्ति। आयु तो हमारा है ही नहीं रे बाबा। सत्य युग में तो लाख लाख वर्ष जीते थे, त्रेता युग में 10,000, दापर में 1,000, कलि युग में 100, लेकिन 100 भी तो हर कोई नहीं जीता है ना, 100 भी नहीं जीता। लेकिन मुझे लगता है हमारे विश्वनाथ प्रभु प्रभुपाद की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से, क्योंकि शुद्ध भक्ति तो करना है, क्योंकि भगवत धाम जाना है, इसीलिए हो सकता भगवान थोड़ा सा आयु को बढ़ा दे कि नहीं तुम्हें भक्ति ही पर करना है और दूसरा जन्म नहीं लेना, इसीलिए थोड़ा सा आयु लो अगर आप वो कृपा नहीं है प्रभु, वो तो साफ है, क्योंकि युग में जितना दिन तक जिंदा रहेंगे उतना ही देख पाएंगे हम ये दुनिया का क्या चल रहा है। यहाँ से भगवत धाम जितना जल्दी जा सके उतना ही अच्छा है। हाँ हाँ, उसी चीज के, उसी चीज के लिए भगवान क्या करेंगे। हाँ, आपको एंजॉय करने के लिए नहीं देंगे। बढ़ा दिया मेरा नहीं, बात को समझिए, आपको भगवान भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आयु नहीं बढ़ा दे रहे। उनको पता है कि ये विश्वनाथ मंडल दास ये अभी श्रीय से मेरी भक्ति करने के लिए, तो अगर इनका आयु अगर 90 साल है तो मैं इसको 110 साल देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो साल में ये भक्ति करेगा, भागवत कथा सुनेंगे, जूम क्लास ज्वाइन करेगा और भक्ति करते करते मेरा शुद्ध भक्त बनेंगे और भगवत धाम की प्राप्ति, इस भावना से ऊपर ठीक है, जो भी कृपा मिले। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय। जय प्रभुपाद की जय। तो हमारे
हमारा स्मरण शक्ति तो हास हुआ ही है, तो पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती, धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिमाण में अनुत्पन्न नहीं कर पाती है ना, गायें भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। एक बार की बात है, हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में 3 साल पहले की बात है, रात को 8 बजे दूध पीने गए, रोटी भुगनी मिलता है, दूध तो दूध था प्लास्टिक का दूध, तो पी रहे बहुत मोटा मोटा, मैं पिया। पीने के बाद बोले कि प्रभु जी आज का दूध इतना मोटा कैसे है, और ये दूध जैसा कुछ गंध नहीं आ रहा है। तो पूरा मायापुर एकदम पूरा भड़क गया कि क्या बात है, ये दूध वाला आज क्या दूध दिया है, तो सभी पी रहे, हाँ भाई क्या, तो दूध बना था प्लास्टिक का, तो आप जरा सोचिए प्लास्टिक का भी दूध बनता है, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप इसका प्रमाण पाएंगे कभी अगर वैसे दूध से मुकाबला होगा आप लोग के जीवन में। तब मायापुर धामवासी हमारे इस्कॉन मैनेजमेंट उस दूध वाला को बोला कहां से ये दूध लाए, तो खोज खबर लिया लास्ट में कलकत्ता के किसी एक जगह में प्लास्टिक के फैक्ट्री से दूध निर्माण, प्लास्टिक से दूध बनता है। जरा सोचिए क्या ऐसा केमिकल और पानी मिला के सफेद क्या पाउडर देखे दूध एकदम एजिटिज दूध, और चीनी मिला के, हाँ प्राणमोहन प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्लास्टिक प्लास्टिक का चावल भी बनता है प्रभु जी। ओ चावल भी ना जी। ओ बाबा जरा सोचिए इस तरह का युग में हम लोग वास करते हैं किसी भी टाइम, इसीलिए मैं लक्ष्मी को मना करता हूँ। लक्ष्मी बोलते हैं कि देखो ना ये दुकान ये कितना सुंदर एकदम बासमती, मैं बोला कि ये सब कुछ नहीं लेना है, एकदम 30 रुपया और 27 रुपया का एकदम नॉर्मल चाल खाना है, और मैं वही लाता हूँ बामन पुकुर से, क्योंकि उसमें कोई जितना सुंदर रहता है उतना ही खराब होता है। हाँ प्लास्टिक का हो सकता है वो, ठीक है हम इसीलिए मना करता हूँ उनको, बोले कि नहीं मैं माँ के घर में इतना दिन ये वाला बासमती 100 रुपया किलो वाला चावल खाया हूँ ना वहां पर उज्जैन में, मैं बोला कि तुम्हारा पिताजी करोड़पति हो सकता है, आई एम नॉट ए करोड़पति, आई एम ए सिंपल डिवोटी, ठीक है, मेरा पिताजी मेरा माताजी का खानदान से मैं आया हूँ, वो गाँव के है, और गाँव में हम लोग जस्ट मार भात खाते थे वैसे ही जीवन जीता था। अभी मायापुर आए इस्कॉन का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जिसके कारण ऐसा नहीं तो मुझे इतना कोई कंफर्टेबल लाइफ नहीं चाहिए, उसको ये सब समझा दिए, तो कभी भी ऐसे चावल के बारे में पूछना भी नहीं क्योंकि इसमें नकल माल रहता है, इसीलिए मैं बामन पुकुट मार्केट जाता हूँ और 30 रुपया 32 रुपया किलो जो चावल मिलता है मिनीकेट वो चावल होता है, मिनीकेट का भी और पर चार प्रकार के, उनमें से जो कम दामी वाला होता है वो मैं लेता हूँ, क्योंकि ये सब चावल में जितना आप लोग वो चीज आपको उतना नेचुरल मिलेगा, वो सच में खेती से कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वो लोग किए हैं किसान भाई लोग, और ये जो पतला पतला एकदम छिलका एकदम प्लास चक चक हीरा मोती की तरह जो चमकने वाला चाल है ना वही प्लास्टिक का चाल है जट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डरता हूँ। अभी के चावल में चमक है, अब पहले का चावल जो होता था देहाती चावल उसमें लाली रहता था, लाली रहता था, वो खाने में स्वादिष्ट होता था, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग देखे कि यहाँ पर बता रहे हैं कि धरती बीते युगों की भांति उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती, जैसे नेचुरल चावल। 20 साल पहले की घटना, मेरा उम्र कितना है 20 साल, मतलब 30 साल अभी, तो मैं नेचुरल चावल खाया हूँ जो राहर उरुद दाल होता है, तुअर दाल बोलते हैं, राहर दाल कितना सुगंध आता, बाबा रे दाल से ही मैं भात खा लेता था, अभी तो सब्जी का जरूरत ही नहीं पड़ता था जब गाँव में थे, मैं अपने जीवन में देखा हूँ और आप लोग तो देखेंगे ही है ना, विभा माता जी आप सभी देखें, नंद किशोरी माता जी, प्राणमोहन प्रभु, अब तो जी देखे वो दाल का सुगंध कहाँ है, अभी जो राहर दाल का जो सुगंध है नहीं है, तो नहीं है, मतलब को है ही नहीं वो चीज,
तो ये जो है ना धरती माता, जब पाप होता है संसार में तो धरती माता जो अमृतमयी जो माता अपने पुत्र को कब खाने देता है, जब उनके प्रति स्नेह ममता करुणा हो। लेकिन जब माता के प्रति अत्याचार होता है, गो माता के प्रति अत्याचार होता है, तो धरती माता क्या करेगी? कुछ नहीं देगी। खैर अभी भी कुछ मिल रहा है, कुछ कुछ हम सब भक्तगण जप कर रहे हरे कृष्ण महामंत्र का, इसीलिए धरती माता दे रहे। ये सब भी जब खत्म हो जाएगा ना इसको, तो एवरीथिंग विल बी फिनिश, सब खत्म हो जाएगा। बस बोलते हैं कि अभी भी कुछ कुछ कृष्ण भक्त जप कर रहे हरे कृष्ण महामंत्र का, जिसके कारण धरती माता कुछ ना कुछ दे रहे। तो धरती माता चावल देना उत्पन्न, तो इस प्रकार गाय भी दूध, पहले जैसे दूध देते थे वो जो दूध का ही अभी घटना, प्लास्टिक का दूध, चावल का भी प्लास्टिक है ना, तो साकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव चाहे मनुष्य हो या पशु प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेक अनेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखाव आ जाता है। ऑफिशियली थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सो मच। ये ऑफिशियल, कोई हृदय का कोई टाली नहीं है। और अभी तो थैंक यू का दूसरा नाम हरिबोल। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण बोल रहा मतलब कुछ एक लिंक है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, लेकिन हरि बोल हो गया मतलब ऑफिशियल है हमारा। हरि बोल मतलब ऑफिशियल, इस चीज को समझना। इसमें भी भेद है, ये सब भेद हर कोई नहीं जान सकता, जो इसका अनुभव कर पाते वही। हरि बोल एक ही चीज है, हरि नाम ही है। हरि बोल मतलब तुम हरि बोल, हरे कृष्ण मतलब मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूं और आपको भी बोलने के लिए मजबूर कर रहा हूं। हरे कृष्ण तो आप क्या बोले? नहीं बोलेंगे, नहीं हरे कृष्ण, आप भी रिप्लाई करें हाँ हरे कृष्ण। लेकिन अगर आप किसी को बोले हरि बोल, मैं क्यों बोलू? तुम बोलो, तुम ही तो पहले नहीं बोल रहे हरि बोल, अरे मैं क्यों बोलू, पहले तुम बोलो। तो ये मुझे हरि बोल बोलने के लिए, खुद तो बोलता नहीं। हरि बोल तो है हरे कृष्ण बोलो, तो हरे कृष्ण खुद बोलता नहीं हरि बोल, अरे मैं क्यों बोलू हरे कृष्ण। तो ये है कुछ फिलोसफी, हम लोगों को थोड़ा ये सब तत्व को समझना है और दुनिया में वैसे जीना है, समझ के चलना है। तो हमारे पास ये 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, फिर ज्वाइंट हो जाना तुरंत ही, इमीजिएटली ज्वाइंट हो जाना। तो ये जो हमारे जीवन की आयु जो घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प, पारस्परिक व्यवहार में दिखाव आ जाता है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण श्रील प्रभुपाद लिखते हैं चाहत, डिजायर। ये चाहत ही जो है हम सबको ऐसे परिस्थितियों में ढकेल देता है और हम लोग का स्मरण शक्ति, आयु, बुद्धि सब कुछ चीन हो जाता है, कम हो जाता है। और चाहत का मतलब क्या है? चाहत मतलब अच्छा घर रहेगा, सुंदर पत्नी रहेगी, सुंदर पति रहेगा, अच्छा जॉब करेंगे, एक साथ मिलेंगे, एक साथ स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जाएंगे, और कोई व्यक्ति मरे तो मरे, मेरा क्या है? ये जो चाहत है ना, उसका स्मरण शक्ति सब कुछ भ्रष्ट कर देगी। तो सबसे बड़ा स्मरण शक्ति क्या है कि साधारण अपने माता पिता ही को भूल जाते हैं आधुनिक लड़का, जिस माता पिता ने उसको इतना सुंदर बड़ा किया, स्कूल में पढ़ाया लिखाया, खुद लेबर की तरह काम करके ये करके उनको पढ़ाया लिखाया, अभी वो अपनी सुंदर पत्नी के प्यार में बस है कुत्ता की तरह और भूल चुके हैं। यही स्मरण शक्ति ह्रास, और दूसरा स्मरण शक्ति तो ह्रास होगा ही है ना। तो ये कलयुग की कुछ अवस्थाएं हैं।